भाई सच में मजा आया। और मैं ये जो मजा है अपने सभी व्यूअर्स को देना चाहता हूँ, तो चलो शुरुआत करते हैं। एक दिन पहले जियो सिनेमा पे एक कोरियन ड्रामा रिलीज करा गया जिसका नाम है द लव कैप है, जो कि लव कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड है। ड्रामे को पूरी तरीके से देखने के लिए आपको 16 एपिसोड देखने पड़ते हैं एक एक घंटे की। अब ड्रामे को मैंने पूरी तरीके से देखकर खत्म कर दिया, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि ड्रामा कैसा है, आपको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए, और क्या आपको इस ड्रामे में देखने मिलने वाली है। तो छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को एंड तक देखना पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल पे नए हो और इसी तरह ड्रामे से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ड्रामे के अंदर कहानी है जियोंग हो और किम योर की। एक साल पहले जब ये दोनों हाई स्कूल में थे तो एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से जो जियोंग हो है वो किम योर को छोड़ देता है। अब क्यों छोड़ता है जब ये ड्रामा देखोगे तो आपको पता चलेगा। अब कुछ साल बीत जाते हैं, हम देखते हैं कि जो जियोंग हो है वो एक प्रोसिक्यूटर बन जाता है, और वहीं पे जो किम यूरी है वो एक लॉयर बन जाती है। अब एक दिन क्या होता है, जो जियोंग हो है वो अपना जॉब छोड़ करके वो नॉवल लिखने लगता है, और वहीं पे जो यूरी है वो अपना जॉब छोड़ करके वो एक कैफे खोलती है जिसका नाम रखती है लॉ कैफे। अब एक दिन जो यूरी है वो अपने लैंडलॉर्ड से मिलने के लिए जाती है। जब वो वहां पर जाती है तो उसे पता चलता है उसका जो लैंडलॉर्ड है वो है उसका एक्स बॉयफ्रेंड यानी कि जियोंग। तो असली कहानी यहीं से स्टार्ट होती है भाई। अब हमें देखना है कि आगे क्या होगा। अब जो जियोंग है या उसकी जो फीलिंग है यूरी के लिए वो फिर से जगेगा, क्या इस बार ये दोनों एक हो पाएंगे, और पास्ट में क्या ऐसी चीजें हुई थी जिसके वजह से इन दोनों को सेपरेट होना पड़ा था, यही सारी चीजें जानने के लिए आपको इस ड्रामे को एंड तक देखना पड़ेगा। जियो सिनेमा ने इस ड्रामे की डबिंग भाई साहब कमाल की करी है। और अगर हम कहानी की बात करें तो जो ड्रामे की स्टोरी है बहुत ही जबरदस्त है, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करा गया है। ड्रामा तुम्हें पहले ही एपिसोड से कनेक्ट कर लेगा। एक चीज पहले बता दूं, ड्रामे में किसिंग सीन वगैरह देखने मिलती है तो तुम अपने फैमिली के साथ इसको देखना चाहते हो तो देख लेना, एडजस्ट करना है या फिर क्या करना है। ड्रामा फुल टू रोमांटिक है। इसके अलावा इसमें जो कॉमेडी देखने मिलती है वो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि तुम्हें पूरा एंटरटेन करेगी। ड्रामे में जो रोमांस तुम्हें देखने मिलते हैं तुम उसको भी पूरा एंजॉय करोगे। इसके अलावा जो लॉ वाली डिबेट वगैरह है वो देखने मिल जाती है। कॉमेडी और रोमांस तो जबरदस्त है। ड्रामा में कुछ पसंद ना भी है तो ड्रामे की जो फीमेल लीड है इतनी ज्यादा क्यूट है कि तुम उसके वजह से ड्रामा देख सकते हो। वो जब भी गुस्सा होती है ना तो तुम वो वाली चीजें बहुत ही ज्यादा एंजॉय करोगे। ड्रामे में इन दोनों की जो नोक झोंक है, इन दोनों की जो केमिस्ट्री है काफी ज्यादा बेहतरीन है, जो कि तुम्हें पूरा इंटरटेन कराएगा और तुम्हें ड्रामे में जोर करके रखेगा। तो तुम्हें अगर एक कॉमेडी रोमांस पे बेस्ड ड्रामे देखना पसंद है ना तो तुम्हें इसको जरूर देखना चाहिए। ड्रामा तुम्हें कहीं पर भी बोर नहीं होने देता, शुरू से लेकर के अंत तक इंटरटेन करता है, चाहे वो रोमांस वाली एंगल हो या फिर कॉमेडी वाली। दोनों ही सूरत में जो ड्रामा है मतलब तुम्हें पूरा एंटरटेन करती है। अगर तुम्हें इस प्रकार का ड्रामा देखना पसंद है तो क्या कर रहे हो भाई, जल्दी से जाओ जियो सिनेमा पे, हिंदी डब लैंग्वेज में अवेलेबल है, नहीं देखा तो देख सकते हो। देख रहे तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी तुम्हें और भी जियो सिनेमा पे आने वाले ड्रामाज के बारे में जानना है तो इस वाले वीडियो को देखो। मैं मिलता हूँ वहीं पे, तब तक के लिए बाय, चैन टेक केयर।